वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आपको अपने छोटी सी बालकनी का टूर कराना चाहती हूं। और आप देखेंगे कि मैं यहां पे कौन कौन से प्लांट मैंने लगा रखे हैं जो इजी टू मेंटेन हैं और दिखने में बेहद खूबसूरत हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में। आइए अब मैं इस एरिया से अपने शुरू करती हूँ। तो ये देखें, ये मनी प्लांट है और ये सिंगोनियम है, नियॉन सिंगोनियम। यहाँ पे मैंने एक स्टैंड रख रखा है इस तरह का, जिस पे ये फ्री फॉल हो सके मनी प्लांट। ये आप देखें, मैंने यहाँ पे ये पॉट रख रखा है और ये स्टैंड है। तो ये मिट्टी का, लेकिन मैंने इसे पेंट कर रखा है, ब्राउन्ज कलर का ये पेंट किया हुआ है और ये बहुत सुंदर दिखता है ऐसे लटकता हुआ। यहाँ मैंने एक बोनसाई क्रिएट करने की कोशिश की है। अभी जब ये बन जाएगा तो इसका फाइनल लुक आपको बाद में दिखाऊंगी। ये बनने के प्रोसेस में है अभी। और यहाँ आप देखें, थोड़ा कलर ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे ये एरिया को कलरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ कोलियस ऐड किया है। ये पूरा एरिया बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत कलरफुल है, रंग बिरंगा दिख रहा है। और यहाँ ऊपर देखें आप, मैंने यहाँ प्लास्टिक के बॉटल से कट करके ये हैंगिंग्स बनाए हैं। ये देखें, ये जब हवा चलती है ना तो ये बहुत सुंदर दिखता है, बहुत ही खूबसूरत। और आप देखें यहाँ पे, जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं उसके नीचे का बॉटम का पार्ट काट करके और उसको पेंट करके उसमें मिरर्स डाल के मैंने आगे और पीछे दोनों क्रिएट करने की कोशिश की है। और देखें, सिंपल सा चीज़ कितना खूबसूरत दिख सकता है। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर दिखता है। और बॉटम का ये पार्ट है और ये बीच का जो उसका पार्ट बचता है बॉटल का, उसको कट करके उसमें भी मैंने थोड़े मिरर्स ऐड किए हैं। और ये देखिए कितना सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, कलरफुल। और ये जो हैंगिंग आप देख रहे हैं, ये कोकेडामा है। ये बेसिकली जापानीज आर्ट कहलाता है, जो यहाँ मेरे यहाँ बहुत दिनों से है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनाया जाता है। और बड़ा ही यूनिक और बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत मिनिमम चीज़ों से बनाया गया है। और देखें आप, ये बहुत अच्छा, मैंने एक ही रस्सी में तीन बनाए हैं। अब देखें इसकी हैंगिंग्स, एक ही रस्सी में मैंने तीन तीन करके बनाया हुआ है ऐसे लटकता हुआ। ये सब मिल के बहुत सुंदर लुक दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और मैं अपने गार्डन का सबसे खूबसूरत पार्ट अभी आपको दिखाना चाह रही हूँ। आइए देखें मेरी बालकनी का सबसे खूबसूरत और ब्राइट कलरफुल एरिया। ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, इसकी भी एक स्टोरी है। ये सीढ़ी मेरे यहाँ बहुत पहले से है और ये जिस कंडीशन में थी, अगर मैं आपको दिखा देती तो आप यकीन नहीं करते कि ये वही सीढ़ी है क्योंकि इस पर आधे इंच मोटी सीमेंट की परत थी। जो कारीगर काम, जो वर्कर काम करते हैं, जब मेरे घर में काम चल रहा था रिनोवेशन का, तो उस समय वो यहीं छोड़ गए थे ये सीढ़ी। और इसके ऊपर आप यकीन नहीं मानेंगे, हाफ इंच मोटी सीमेंट की परत थी। लेकिन पता नहीं, मैंने इसे फेंका नहीं और मैं रोज़ सोचती थी कि मैं इसका क्या कर सकती हूँ। हालांकि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। और मैं रोज़ एक घंटा इस पर लगाती थी और धीरे धीरे मैं चाकू की मदद से इसके सीमेंट को निकालने की कोशिश करती थी। एक दिन मेरे बच्चों ने देख लिया और उन्होंने बोला कि माँ, आप थक जाती हो, आप ये सब काम मत किया करो। तो मैं उनसे छुप के ये काम करने लगी फिर। और धीरे धीरे 15 दिनों में मैंने इसके सारे सीमेंट को छुड़ा दिया और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बहुत खुश हो रही थी उसको देख के। और जितने भी इसके जॉइंट्स हैं, सब में मोटी मोटी गंदी रस्सियाँ बंधी हुई थी, सबको मैंने खोला, उसके बाद इसको पेंट करना शुरू किया। और किसी को बताती नहीं थी। एक दिन मैं इस सीढ़ी को ऊपर छत से लेके नीचे आई और मेरे बच्चे देख के ना इतने खुश हुए, बोले कि मम्मा आपने क्या से क्या कर दिया। और यकीन माने, थोड़ी सी मेहनत करके ना आदमी कुछ भी कर सकता है। मेरा
पूरा यकीन होता है इन चीज़ों में कि आप थोड़ी सी मेहनत में बहुत खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। आप यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे इस सीढ़ी पे दो चार ऐसे हैंगिंग वाले गमले लटका रखे हैं, पॉट्स हैं ये, और इसमें मैंने ये स्वीट पोटैटो वाइन लगा रखा है। ये बहुत वाइब्रेंट कलर का होता है, इसलिए बहुत ही कूल इफ़ेक्ट इसका होता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो ये मैंने यहाँ पे तीन ऐड किए हुए हैं, और ये मेरे बच्चों का फेवरेट प्लेस है। जब भी मेरे बच्चों के फ्रेंड आते हैं तो यहीं फ़ोटोशूट होता है, और सारे लोग इसको देख के पता नहीं क्यों बहुत खुश होते हैं, बहुत कलरफुल है ये। और यहाँ पे मैंने ये बड़े लीफ वाला ये मनी प्लांट भी लगा रखा है, जो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि ये इस पे चढ़ता जाए तो एक अलग ही खूबसूरती ऐड कर देगा ये। तो मैं देखती हूँ कब तक बड़ा होके ऊपर तक चला जाता है, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको ट्रेल करने की। यहाँ पे देखें, मैंने बालकनी में आगे की तरफ ये बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं, काफ़ी लंबे लंबे हैं ये, पहले छोटे बड़े थे लेकिन मैं इन्हें प्रून कर करके मैंने इन्हें एक लेवल में लाने की कोशिश की। और इधर से मेरे रूम में बहुत धूप आती है, इसलिए मैंने इनको आगे में रखा है ताकि वो ठंडक बनी रहे, और सुबह में पूरी रोशनी नहीं आती, थोड़ा अच्छा रहता है, ठंडा रहता है रूम। और इसको इसमें मैंने बहुत सारे क्रिएटिविटी करने की भी काफ़ी मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं आपको फिर कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं इन बड़े पौधों के साथ क्या कर सकती हूँ। तो अभी ये एक लेवल में है, प्लांट्स फाइकस कहलाते हैं। और आप देखें यहाँ पे मैंने इस कॉर्नर पे एक फाउंटेन क्रिएट करने की कोशिश की है, और मैं इसे ऑन कर देती हूँ। अब आप देखें, ये एक टब है प्लास्टिक का, और इसमें रोड साइड वाले पत्थर डाल करके मैंने एक पंप लगा के नीचे इसको क्रिएट करने की कोशिश की है। और आप देखें ये कितना खूबसूरत दिख रहा है, और जब पत्थर के थ्रू ये पानी आता है तो ये बहुत, इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और इसमें बहुत सारी फिशेस भी हैं आप देख सकते हैं। कभी मैं इसका DIY भी आपको दिखाऊंगी। और इसके बेस को छिपाने के लिए मैंने साइड साइड से ये प्लांट्स लगा रखे हैं, तो आप देखें यहाँ पे कि ये सारा मिलके कितना सुंदर दिख रहा है। और मैंने यहाँ एक बैठने का भी सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है आप देखें, और यहाँ मैं किसी भी समय जब मेरी मर्ज़ी होती है मैं यहीं बैठती हूँ। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखा रही हूँ जो मेरा DIY है, और आप देखें ये एक फ्लेमिंगो है, मैं बनाने की कोशिश की थी इसको और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। इसको मैंने पहले पेपर से इसको शेप देने की कोशिश की, उसके बाद वायर से बांध के उसको इस तरह का शेप दिया, फिर सीमेंट के साथ जोड़ के, और यहाँ मैंने इसके पैरों के लिए दो रॉड, लोहे के रॉड यूज़ किए हैं। और आप देखें यहाँ मैंने सीमेंट से ही एक बेस क्रिएट करने की कोशिश की है, और आप देखें ये कितना सुंदर फ्लेमिंगो है। और मैं यहाँ पे अपने फाउंटेन के पास इसको रखी हुई हूँ, ऐसा लगता है जैसे ये फिशिंग कर रहा है। और ये फ्लेमिंगो वैसे तो पिंक कलर के होते हैं लेकिन मेरा फ्लेमिंगो रेड है। यही तो आर्टिस्ट की एक ख़ास बात होती है, उसकी इमेजिनेशन डिफरेंट होती है, उसका क्रिएटिविटी डिफरेंट होता है, तो मेरा फ्लेमिंगो रेड है। यहाँ पे मैंने इस टब को ढकने के लिए जो भी प्लांट्स यूज़ किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सुदर्शन प्लांट, यहाँ पे एक सुदर्शन और एक ये डिफिन बेकिया है, इसको देखें ये भी बहुत सुंदर और प्लांट होता है और लो लाइट प्लांट है, आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं। मैंने एक सुदर्शन और एक डिफिन बेकिया ऐसे करके इसको कवर कर दिया है, क्योंकि ये इसी हाइट के हैं इसलिए ये पूरा एरिया मेरा छिप जाता है इससे, और ये दोनों मिलके एक साथ बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बालकनी के बाहर
कुछ प्लांटर्स लगा रखे हैं तीन लेयर में। सबसे ऊपर वाली लेयर में मैंने स्वीट पोटैटो वाइन वंडर ज्यू लगा रखा है। बीच वाले पूरे एरिया में मैंने टोकरी में 10 o'clock लगा रखा है रेड कलर का। अभी ये सारे फ्लावर्स बंद हैं, जब ये खिल जाते हैं आफ्टरनून में तो बहुत सुंदर दिखते हैं। और सबसे नीचे के पोर्शन में मैंने पर्पल हार्ट लगा रखा है जो नीचे काफ़ी नीचे तक लटक रहे हैं, और मैं उसका एक पिक डाल दूंगी। आप लोग बाहर से उसे देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।